मैं आपको बताऊं एक बात, एक दो दोस्त है ना, दो दोस्त, वो एक दूसरा था, दोनों बचपन के दोस्त थे, एक अमीर तरीन हो गया, उसको कुछ टाइम ना मिले कि नमाज पढ़, उसको टाइम ना मिले, दूसरा गरीब था, वो जो गरीब होता है वो नमाजें के नफरी पढ़ रहा होता है, वो तहज्जुद ही पढ़ रहा होता है, ये तो पता ही ना आपको, अमीर आदमी 24 घंटे मसरूफ रहता है, वो 24 घंटे जो मसरूफ था ना, उसका दोस्त कह यार तू नमाज पढ़ लिया कल दुकान भांग कर, कहता यार तू मेरे पीछे पढ़ रहा था यार तू पढ़ नमाज आ गया। अब उसका दोस्त था, उसने कहा मैं इसकी इसलाह कैसे करूँ, उसने कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना कि आप इसको कॉल कर सकते हैं, आपका नंबर भी नहीं जा सकता, नंबर भी नहीं जाता, आवाज़ भी नहीं होती है, उसके पास कोई कंप्यूटर का मास्टर था, वो उसने कंप्यूटर में उसको कॉल किया, आपको सो रहा था कहीं, उसने मोबाइल उठा लिया, नाम भी लिखा नहीं जा रहा था, लिखा उसने आठ सौ नंबर भी कोई नहीं, तो उसने कहा कौन, उसने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता बोल रहा हूँ, ये सुन के ही उठ गया क्योंकि आवाज़ उसने चेंज की हुई थी कंप्यूटर वॉइस चेंजर से, उसने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता बोल रहा हूँ, उसने कहा हम जो कहता है यार ये अल्लाह का कानून है कि जिस बंदे की मौत आती है जब 3 दिन के बाद उसको हम पैगाम देते हैं, मैं तुम्हें पैगाम देने आया हूँ कि 3 दिन के बाद तुम फारग हो, वो उसी टाइम उठ गया, उसने बंद ही कर दिया ना, आवाज़ भी अजीब सी थी, वो उठा गुसल किया, कपड़े चेंज किए, खाली बस बीवी को लाया करा मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, उसने कहा उसको क्या हो गया, और मस्जिद में बैठे हुए हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ रहे हैं, फिर भी वहीं बैठे हुए हैं, जोर भी पढ़े फिर वहीं बैठे हुए हैं, असर पढ़े फिर वहीं बैठे हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं अब दुकान का तौर खत संभालो, बस आपको देख चुके सामने लाइफ कॉल में, वो कह रहे हैं अरे दुकान कहता दुकान भी तुम्हारे नाम सब कुछ, मैं जाते ही मैं यहीं हूँ, जब मर जाऊँ उठा लूँ डर जाऊँ, अभी 2 दिन गुजरे थे ना, किसी को नहीं पता, उसके दोस्त को पता था, उसने कहा यार ये तो मरना चाहिए, उसने कहा इनके बच्चों को किसी बहाने से इसके हाथ में मोबाइल दे दो, बस किसी बहाने से दे दो, बीच में वो कुछ और चाह रहा था, बच्चों ने मोबाइल पास रख दिया, उसको पता लगा कि मोबाइल पहुंच गया, वो मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह लेकर रहे हैं, फिर बैल हाली उसने फिर कंप्यूटर से खा, उसने कहा जी यार और वही फरिश्ते ही, कहता हाँ मैं फरिश्ते ही बोल रहा हूँ, तो क्या बुरा हो गया, कहते नहीं यार वो थोड़ी सी ना गलतफहमी हो गई, किसी और का नाम था तो तुम्हें हमने कह दिया यार तुम्हारा नाम नहीं यार तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी है, लेकिन तुम ये जो काम कर रहे हो ना ये अल्लाह को बड़ा पसंद आ गया, अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ा दी है और साज बंद कर दिया। बाद में वही आदमी कहता है कि मैं तो खाली फ़र्ज पढ़ रहा हूँ ना, वो तजद अवीन इशराक और चाश भी पढ़ रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या खौफ इनके दिल में अल्लाह का खौफ बहुत, कहते क्या कहते मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, पता नहीं वो बख्शेगा, मैं तो रब है सब कुछ करने पे कादिर है, कोशिश करो जितनी कर सकते हो, कुछ भी बैठ के नमाज पढ़ लेते हैं इशारे थे, मगर दिल चाहता है कि घर के बिल्कुल जैसे ये घर है ना आपके सामने बराबर में ऐसे मस्जिद हमारी। मैं इनको ना आपने क्या करना 3 दिन के बाद इनको आपने कहना खड़े नमाज पढ़ो, अच्छा मेरा कहना वो कह रहे नहीं गिरते साथ बैठ जाना साथ को सोफा शोफा भी हो ताकि अगर ना तकते हैं, एक दफ़ा इन्होंने खड़ा होकर नमाज पढ़ ली, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब्बर असल कोई शायद मरीज भी आए हुए, वरना मैं कहता 2 नफर यहीं पढ़ो वजू करके और मेरे सामने पढ़ो कि पढ़ेंगे ये अभी चल के लिए खुद जाएंगे, अब आप जाएँ खाना वाना खाएँ तो आप जाएँ उनके साथ तो ये खुद जाएंगे, तो छोड़ दो जाओ खाना करके जाओ,